तो बेसिकली आई हैव बीन आस्क्ड टू विल वॉच द मैच एंजॉय एंड गेट सम मनी. तार में क्या बोल रहा है दिखाता हूँ आपको शॉर्टकट में. जंक हेल्दी जंक सुपर किंग्स इज लूजिंग बिकॉज़ धोनी इज गॉन. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. What do you wanna move like that? What you want? जिंदगी में कोई एक ऐसी चीज होती है जो हमको करनी रहती है, कुछ भी सिचुएशन हो जाए एक बार करनी है, और वो शायद किसी की पूरी होती है या नहीं होती, पर मेरी हो गई. क्या I'll let you know in this vlog. तो जिसके लिए मैंने कहा था जिंदगी में हमको एक बार करना है वो उसका मौका मिलता है, तो मुझे मिला है एंड आई एम गेटिंग रेडी फॉर इट. मुझे कुछ दिनों से मिला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेट मी गेट रेडी. सेट टू गो फॉर माई बिगेस्ट असाइनमेंट जो लाइफ में मुझे हमेशा से करना था. घर से ऑफिस नहीं बल्कि घर से घर, और क्योंकि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल का जमाना है, सो हियर इज माई डेस्कटॉप वेयर आई एम गोइंग टू वर्क. तो बेसिकली आई हैव बीन आस्क्ड टू डू कमेंट्री फॉर द आईपीएल. यस यू हैड इट राइट. बहुत बड़े चैनल से मुझे ऑफर मिला है डिजिटल की कमेंट्री करने का, और ये ही हम सबका एक ना एक सपना होता है, कुछ ना कुछ लाइफ में करने की एक इच्छा होती है कि भाई वो एक बार मौका मिले, वॉच द मैच एंजॉय एंड गेट सम मनी. पहले शॉपिंग करके आते हैं, हेडफोन्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेके आते हैं. दिस इज द वेबकैम व्हिच आई रिसेंटली बॉट, और मैंने एक सुपर्ब हेडफोन्स लाया है. हेडफोन्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है मुझे लग रहा है. इट हैज द माइक, इट हैज द कंफर्टेबल प्लग्स. ये इसको ऐसे करते हैं. Oh, the noise cancellation is amazing in this phone. We had दोस्तों आज जर्नलिस्ट मैंने तो बहुत ज़्यादा मैचेस कवर किए हैं स्टेडियम्स में, बड़े बड़े मैचेस. 17 साल का करियर जर्नलिज्म का बहुत एंजॉय किया, बहुत मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक, बहुत मज़ा आता था. मगर ये कमेंट्री इज समथिंग न्यू एंड दिस इज माय स्टूडियो सेटअप. यहाँ पर मैं अभी लगाने वाला हूँ, यहाँ पर छोटा स्क्रीन रहेगा, अंदर ऑब्वियसली जूम से होगा चूँकि डिजिटल कमेंट्री इज फॉर अ डिफरेंट चैनल, नॉट फॉर द स्टार स्पोर्ट्स. और ऑफकोर्स दिस इज माय हेडसेट विच ऑफकोर्स वाई फाई कनेक्शन है, लैंड से कनेक्ट होता है ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में गर्मी है ना तो यू नीड टू स्विच ऑन द एसी, विच इज वॉट आई एम गोइंग टू डू नाउ. इट्स वेरी हॉट व्हेन यू वेयर अ जैकेट, और ह्यूमिडिटी बहुत लेवल की, और इसकी वजह से पूरे मैच पर इम्पैक्ट होता है क्योंकि ड्यू प्लेज अ वेरी गुड रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो यही सब बातें, टेक्निकल बातें, थोड़ा मज़ेदार बातें, मज़ेदार चीज़ों पर और डिस्कस करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आज का मैच है पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स, एमएस धोनी वर्सेस मयंक अग्रवाल की टीम. मतलब एमएस धोनी ऑफकोर्स इज नॉट द कैप्टन, रविंद्र जडेजा इज, बट अभी भी टीम जानी जाती है महेंद्र सिंह धोनी के नाम से. तो यहाँ मेरा जूम का सेटअप है, कैमरा है, दिस इज माय ये. यहाँ पर अभी मैं छोटा स्क्रीन रख दूंगा, मैच दिखूंगा आपको, आगे दिखाऊंगा मैं. कॉमेंट्री सुनना चाहते हैं तो आप इंडिया को बाहर होना पड़ेगा क्योंकि जो राइट्स है वो डिजिटल टू स्पोर्ट्स जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उनकी बाहर के लिए राइट्स है. बट
पोस्ट मैच प्री मैच वो यहाँ पर ही होता है, यहाँ पर आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। ये हमारा जो एनालिसिस रहता है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे मिल जाएगा। यू कैन फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, मेरे व्लॉग चैनल को, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट सम एक्साइटिंग स्टोरीज, सम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड सम इंस्पिरेशनल स्टोरीज आने वाला है यहाँ पर। इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी एट @rizvi1000। क्यों करता हूँ यार, किसको मजा नहीं आता है IPL मैचेस में कमेंट्री करने में या क्रिकेट कमेंट्री करने में। आई मीन एवरीबॉडी लव्स क्रिकेट, एवरीबॉडी नोज द गेम, स्पेशली इफ यू आर एन इंडियन और अ पाकिस्तानी। और मैं जर्नलिस्ट हूँ यार, तो कवर किया। और आज मेरा जो कमेंट्री है वो है पाकिस्तानी कमेंटेटर अहमद अजीब के साथ। वेरी एंटरटेनिंग, मज़ा आता है उनके साथ बात करने को। एंड देन राजेश चौहान जी, क्वाइट अ टेक्निकल गाय, वेरी नॉलेजेबल व्हेन इट कम्स टू द गेम ऑफ क्रिकेट। तो आई एम ऑल सेट विद माय स्टूडियो, इज माय सेटअप। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रिपरेशन, कि आप मैच के पहले तैयार हो जाए, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सोच लें, थोड़ा कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन जान लें। ऑफकोर्स बिकॉज ये सब रिविजन होता है, मैचेस तो फॉलो करते हैं, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिविजन, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट। 6:55 का मेरा टाइमिंग है, उसके बाद मुझे रोज़ा खोलना है बिकॉज वर्क इज इंपॉर्टेंट। आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉमेंट्री, ग्लिम्सेस थोड़ा दिखाऊंगा आपको, रिएक्शन दिखाऊंगा मेरे। से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछिए खुद से, कि जर्नलिज्म के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, IPL के ऊपर डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है ये सीजन का IPL? मुझे तो लगता है दो टीम मेरी फेवरेट है, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, एक्चुअली तीन, राजस्थान रॉयल्स भी। इफ्तार में क्या बन रहा है दिखाता हूँ आपको शॉर्टकट में। बेसिकली इफ्तारी इज ऑल सेट, बट आई एम नॉट सेट फॉर द इफ्तारी बिकॉज मुझे काम है। प्री मैच डिस्कशन हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बताता है आपको एग्जैक्टली कि मैच कैसा होने वाला है, विकेट कैसा होने वाला है, टीम्स कैसे होने वाली है, 11 कैसे होने वाले हैं। तो यही सब रहता है यहाँ पर। आई विल जस्ट गो एंड ब्रेक द फास्ट, फिर आके कॉमेंट्री करेंगे। रोजा अच्छे से खोल दे यार, मजा आ गया, वापस से काम धंधे पे लग जाता हूँ। बहुत अच्छा शॉट पा रहा महेंद्र सिंह धोनी ने, अच्छा सिक्स, क्या ये जीत पाएंगे मैच? जिताएंगे महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को, नहीं जिताएंगे, क्या जिताएंगे, नहीं जिताएंगे। अगला गेम देखते हैं क्या करते हैं। बहुत ही करारा शॉट मारा और सीधा सीधा जाके फील्डर के हाथ में गिरा। दैट वाज अ ब्यूटीफुल विकेट फ्रॉम ऋषि धवन, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम धोनी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स आउट। यू कैन सी एनीथिंग, सुपर किंग्स इज लूजिंग बिकॉज धोनी इज गॉन। दिल्ली बहुत दूर है, इनफैक्ट दिल्ली पहुंच ही नहीं सकते आप। डिस्कशन भी हो गया, कमेंट्री भी हो गई, बहुत मज़ा आया। सर ये बीच में ब्रेक में एक पावर नैप ले लिया तो फ्रेश हो गया थोड़ा, जो नींद आ रही थी। तो फ्रेंड्स ये था कमेंट्री स्टेंट मेरा IPL का। बाय द वे, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल ताउस रिज़वी, करिए डेफिनेटली, एंड यू कैन फॉलो मी @ताउस रिज़वी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। फॉर नाउ इट्स गुड बाय।